हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये टाटा 407 पिकअप है, इसमें ब्रेक किसी का ब्रेक नहीं लग रहा, तो आइए स्टार्ट करके पहले ब्रेक पेडल को चेक करते हैं कि पेडल की पोजीशन क्या है। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया हमने, अब पेडल को दबा के प्रेस करके चेक करते हैं कितना हार्ड है। पेडल बिल्कुल ही हार्ड और भारी दब रहा है, इसका मतलब हमारे ब्रेक बूस्टर में कमी है। सिंगल पैडल दबाने पे थोड़ा ठीक भी रहता है, डबल और ट्रिपल दबाने के बाद बिल्कुल ही पैडल हार्ड हो जाता है। तो आइए इस ब्रेक बूस्टर को खोलें। ब्रेक बूस्टर खोल दिया है। ब्रेक बूस्टर को निकालने के बाद बाहर, उसके बाद इसके लॉक को खोल के बूस्टर खोल के अलग अलग कर दिया है। अब इस ब्रेक बूस्टर के डायफ्राम के रबड़ को चेक करेंगे कि ये फटा कहाँ से। प्लेट के अंदर से रबड़ को निकाल के इस प्रकार से प्लेट को बाहर निकाल लिया है। अब रबड़ को चेक कर रहे हैं। डायफ्राम रबड़ यहाँ से फटा हुआ है, इसके कारण इसमें प्रॉपर वैक्यूम रुक नहीं पा रहा। इस प्लास्टिक के लॉक रिंग को बाहर निकाल के उसके बाद पिस्टन को हल्का प्रेस करके इस लॉक को बाहर निकाल लेंगे। लॉक बाहर निकालने के बाद पिस्टन को भी बाहर निकाल लेंगे। पिस्टन को बाहर निकाल लिया, पिस्टन बिल्कुल ठीक है, पिस्टन ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद इस डायफ्राम के रबड़ को बाहर निकालेंगे, पेचकश की मदद से इस लॉक को बाहर निकाल लेंगे। लॉक बाहर निकल चुका है, उसके बाद डायफ्राम के रबड़ को बाहर निकाल लिया है। डायफ्राम वेब को 47-36-50। पिस्टन के अंदर इस डायफ्राम रबड़ को अच्छे से बैठा के उसके बाद उसके ऊपर से इस लॉक को लगा कर इस लॉक को अच्छे से बैठाएंगे। इस लॉक को बैठाने के लिए हम ग्लास का प्रयोग कर रहे हैं। इस ग्लास से थोड़ी मदद से लॉक को बढ़िया से बैठा देंगे। इस तरह से डायफ्राम का लॉक अच्छे से बैठ गया। अब इसके अंदर इस पिस्टन को फिट करेंगे। पिस्टन को डालने के बाद पिस्टन के ऊपर वाले लॉक को लॉक लगाने के बाद इस पिस्टन के बड़े लॉक को इस प्रकार से पिस्टन को दबा के इसके अंदर सेट करेंगे और ऊपर से प्लास्टिक वाली रिंग लॉक को इस प्रकार से सेट कर देंगे इसको। दोस्तों, ये डायफ्राम कंप्लीट हमारा फिटिंग हो चुका है। अब इसके अंदर डायफ्राम के प्लेट के ऊपर सेट करेंगे इस प्रकार से। डायफ्राम के बैक प्लेट पे इस डायफ्राम रबड़ को अच्छे से बिठा लेंगे इस प्रकार से, जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। रबड़ को अच्छे से बिठा कर प्लेट के ऊपर रबड़ को अच्छे से बिठा दिया है। फिर ये बड़ा स्प्रिंग, उसके बाद फ्रंट
कवर इस तरह से फंसा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। बूस्टर की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। बूस्टर में मास्टर सिलेंडर कस के बस में वैक्यूम प्रेशर दे के चेक करेंगे कि वैक्यूम सही रुक रहा है कि नहीं। गाड़ी को बंद करने के बाद भी थोड़ी देर बाद भी वैक्यूम हमारे इसमें रुक रहा है, इसका मतलब हमारा ब्रेक बूस्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ब्रेक बूस्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब इस ब्रेक बूस्टर को गाड़ी के अंदर फिटिंग करके ब्रेक को चेक करते हैं। बूस्टर को अब इसी कंप्लीट फिटिंग करके ब्रेक को चेक करते हैं। ब्रेक बूस्टर की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं ब्रेक पेडल की पोजीशन को कैसी है। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, अब पेडल को प्रेस करके देखते हैं पेडल नरम है या हार्ड है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद पेडल बिल्कुल नरम हो चुका है, दो उंगली से ब्रेक को दबा पा रहे हैं।